मुझे लगता है मैं हूं, क्योंकि आप वो मुझसे बात करती। वो आप हैं। मैं कहना तो ये चाहता हूं कि वो कविता मैंने आपके लिए लिखी, पर सच कहूं आपके बारे में सोच रहा था और वो कविता खुद ब खुद बनती चली गई। जब जब मैं आपके पीछे आया हूं, मुझे ऐसे लगा है जैसे अंधेरे में किसी जुगनू के पीछे जा रहा हूं। मुझे काफी समय लगा इस फीलिंग को समझने में, आपको जानने के बाद जो मुझे महसूस हुआ है उसने मुझे बहुत परेशान किया। मैं पहचान ही नहीं पाया उस इमोशन को। फिर पता है क्या, वो इमोशन, वो फीलिंग मुझे स्टोर रूम में मिली। ये रहा वो इमोशन, खुशी का। आखिरी बार बचपन में महसूस किया था इसे, जी खोल के खुश होने वाला, छोटे मोटे खिलौनों में खुशियां ढूंढने वाला। बिना मतलब के मुस्कुराने वाला, खुल के जीने वाला, सुकून वाला, प्यार वाला। आपसे मिलकर मुझे फिर से खुश होना आ गया। मुझे पता चला एक उम्र के बाद मैंने जीना छोड़ दिया था, पर अब कथा मैं जीना चाहता हूं। मुझे जुगनुओं से रोशन जीवन की हर रात करनी। शुक्र है आप मुझसे बात करती हैं, पर मुझे भी आपसे बात करनी। मुझे आपसे कहना है कि जुगनू है तो जादू है, जादू है तो भगवान भी है, और भगवान है तो प्यार भी है। और पता है क्या, प्यार है तभी तो जुगनू है। देखना निहारना अच्छा लगता है, प्यार से देखना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है।
कथा आओ लंच करो। कथा क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं मिठाई भूल गई थी, लेकर आती हूँ। कथा, तुमने हमारे घर आकर पाठ का प्रसाद बनाने में हमारी मदद की, थैंक यू। और कब से तुम सेवा भी कर रही हो। खुश रहो बेटा। एक सिंगल मदर होना बहुत डिफिकल्ट होता है ना? मैं जानती हूँ, मैंने अपने बेटे को अकेले ही बड़ा किया है, और अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को मेरा दर्द समझ नहीं, लेकिन तुम समझोगी, एक फादर के बिना बच्चों के लिए कितना डिफिकल्ट होता है। माँ का दिल जानता है कि कम से कम एक फादर फिगर होना चाहिए एक बच्चे के लाइफ में, लेकिन उस फादर फिगर की तलाश में अगर माँ खुद ही खो जाए तो बच्चा तो अकेला ही पड़ जाएगा। तुम्हारे बेटे का नाम आरव है ना? उसने तुम्हारी जिंदगी को अपने प्यार से, अपने लाड से, नखरों से भर दिया होगा। फिर कैसे तुम अपने इस भरी पूरी दुनिया में किसी और के लिए जगह बना पाओगी? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।